जिला चिकित्सालय परिसर बना कालीज की प्रेमी प्रेमिका के मिलने का अड्डा। जिला चिकित्सालय परिसर में अब कालीज के युवक युवतियों ने दवाई लेने के बहाने अपने प्रेमियों से मिलने की जगह बना रखी है। आपको बता दें कि चिकित्सालय में 1 रुपए का पर्चा बनवाकर प्रेमी प्रेमिकाओं ने मिलने का अड्डा बना लिया है, क्योंकि अक्सर लोग अस्पताल से दवा के मामले में लापरवाही नहीं करते हैं। यह बात का फायदा उठाकर प्रेमियों ने अपनी प्रेमिका से मिलने की जगह बना ली है जिला चिकित्सालय परिसर को। बस मात्र 1 रुपए का पर्चे पर घंटों से मिलने का समय मिलना, लेकिन जब इस पर जिला चिकित्सालय के CMS से बात की गई तो CMS डॉक्टर केशव स्वामी ने खुद का बचाव करते हुए जिम्मेदार पुलिस विभाग को ठहरा दिया और कहा कि अस्पताल परिसर के अंदर युवक युवतियों को मिलने से रोकना तो SP साहब का काम है, मेरा नहीं। यह कहकर CMS ने अपना पल्ला झाड़ लिया। शाहजहांपुर कोतवाली इलाके पंडित राम प्रसाद विस्मिल संयुक्त जिला चिकित्सालय की OPD दूसरी मंजिल में बने हाल में काफी अरसे से प्रेमी प्रेमिका मिलते आ रहे हैं, जिन पर अस्पताल प्रशासन ने किसी प्रकार की बंदिश नहीं की, जिसके कारण प्रेमियों ने जिला चिकित्सालय को ही अपना अड्डा बना लिया है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में कॉलेज के छात्र छात्राएं 1 रुपए का पर्चा बनवाकर घंटों से समय अपने प्रेमियों के साथ बिताते हैं। इस पर CMS केशव स्वामी ने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया और पुलिस विभाग व SP को जिम्मेदार बताकर बात करने से इनकार कर दिया। जब इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, यदि CMS स्तर से कोई इस तरह की शिकायत आती है तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जाएगी। जबकि CMO डॉक्टर RC रावत का भी मीडिया से यही कहना है कि CMS केशव स्वामी ही जिम्मेदार हैं, उनके कार्यकाल में जिला अस्पताल से जुड़ी कोई भी होने वाली घटना में CMS केशव स्वामी ही जवाबदेही हैं, वे अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। शाहजहांपुर से रुखसार के साथ मोहम्मद राशिद इदरीसी की रिपोर्ट।